हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके नाम पीएसएल 2023 के 212th मैच की मैच प्रेडिक्शन और जो 12th मुकाबला है खेला जाएगा पेशावर धरमी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, और मिस नहीं करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइए, आपको छोड़ के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाए। फिर क्या होता है गाइस, तो उसके बाद अगर कोई मैच चेंज होता है ना तो उसके अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ गाइस, तो ज्वाइन हो जाएगा। और गाइस, मेरे जितने भी चैनल है सॉल्यूशन हम के जितने भी चैनल है सब में ज्वाइन होना है, जैसे कि डॉली बैटिंग के चैनल है तो आपको उसमें भी ज्वाइन होना है। ठीक है गाइस, जब भी मैं उसका लिंक टेलीग्राम में डाला करूँ तो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ मेरे टेलीग्राम में आपको टॉस मैच सेशन ट्रेडिंग सब कराई दी जाती है गाइस, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। तो बिना लिंक के ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है और दिए गए लिंक से ही ज्वाइन होना है। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन आपके चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो तो दिए गए लिंक से ज्वाइन हो। तो ये गाइस, ये मुकाबला खेला जाएगा 30 फरवरी की गाइस शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार। मुकाबला होगा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम रीना कराची में। तो मैच में जाने से पहले अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों में नजर आ रहा हूँ तो पेशावर धरमी के पास द ग्रेट बाबर आजम, वहाब रियाज, मोहम्मद हैरिस, ए जमाल, मुनका राजा प्रकाशा, एस इरशाद, रोमन पावल, मुजीबुर रहमान, अरशद इकबाल, उस्मान कादिर, जेम्स नीशम, खुर्रम शहजाद, पीटर होस्टोग्लू, शकीब उल हसन, ए उमर गई जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में अब्दुल शताब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आसिफ अली, हसन अली, आजम खान, पॉल स्टालिन, रहमतुल्ला गुरबाज, अबरार अहमद, रुमान गई, हमजा नवाज, हसन नवाज, मोइन अली, टॉम करन, टाइल मिल, रजीवन बिन कासन जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। अगर पल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे तो दोस्तों जो है हल्का सा पेशावर धरमी का पल्ला भारी लग रहा है भाई। ये दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबले पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबले में नजर डालू, 5 में से 3 जीत करा रही है पेशावर धरमी, 5 में से 2 जीत करा रही है दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 4 बार जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, 6 बार जीती है पेशावर धरमी। पिछला मुकाबला जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था, उससे पिछला पेशावर धरमी ने, उससे पिछला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो ठीक है गाइस, तो ये है कुछ आंकड़े। अब आइए दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों पर नजर डालें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके इन दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबलों में दोस्तों 3 बार जीती है पेशावर जलमी, 2 बार जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है, और इनके 10 मुकाबलों पर नजर डालू पिछले, तो 5% विनिंग परसेंटेज है पेशावर जलमी का, 40% है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 172 रन एवरेज स्कोर है पेशावर जलमी का, 164 है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 206 रन हाईएस्ट है पेशावर जलमी का, 199 है इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाईएस्ट, 140 रन पेशावर धरमी का लोएस्ट है, 105 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड का लोएस्ट है। अब इस वैल्यू पे बात करें तो 60% विनिंग परसेंटेज है पेशावर धरमी का, 70% विनिंग परसेंटेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 202 रन हाईएस्ट है पेशावर धरमी का, 229 रन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाईएस्ट, 122 रन है पेशावर धरमी का लोएस्ट, 118 है इस्लामाबाद यूनाइटेड का लोएस्ट। अब ये दोस्तों दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबले कर रहा है। और क्वेटा के बीच मुकाबला हुआ था, 118 रन बनाए थे लाहौर कलंदर्स ने, क्वेटा ने 135 आराम से जो है डिफेंड कर लिया था लाहौर में, फिर क्वेटा ने बनाए थे 154, पेशावर ने बनाए थे 157, 9 गेंद जैसे मुकाबला जीता था, कराची किंग्स ने बनाए थे 185, लाहौर ने बनाए थे 118। गाइस, अगर आप यहाँ पे पहले बैटिंग करके 180 से ऊपर बना देते हो ना तो आपको जो है यहाँ पे टारगेट जो है डिफेंड करने में आसानी हो रही है, अगर 150-160 का टारगेट है। ठीक है, अब ये दोस्तों और भी आंकड़े आपको बताऊं तो और भी आंकड़े कुछ इस प्रकार है। 6 ओवर में हमें बनते हैं पहली पारी में 50, दूसरी पारी में 47, 10 ओवर में हमें बनते हैं पहली पारी में 80, दूसरी पारी में 79, 15 ओवर में हमें बनते हैं पहली पारी में 126, दूसरी पारी में 121, 20 ओवर में हमें बनते हैं पहली पारी में 182, दूसरी पारी में 163। ठीक है, तो ये तो थी सेशन की रिपोर्ट, सेशन की जानकारी। अब आइए दोस्तों आपको जो है मैं बता दूं कि जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, टेलीग्राम से मेरी लिंक आपको छोड़ के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है टॉस के बाद में कोई मैच में चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम में भी देता हूँ। और सेशन तो आपको फ्री में टेलीग्राम में दिए जाते हैं, लेकिन सेशन
सेशन की तो वीडियो बनाई नहीं जा सकती, लाइव बैच में तो टेलीग्राम नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम में, लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है अब ये दोस्तों डिटेल पिच रिपोर्ट पर डालते हैं और देखते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है, चेंज होता है कि डिफेंड है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे T20 के जो डोमेस्टिक मुकाबले हैं 54 खेले गए, 20 जीते हैं, पहले बल्लेबाजी ने 34 जीते हैं, बाद में बल्लेबाजी करने वाले ने 19, भी थोड़ा सा चेंज करना टफ हो रहा है। अगर 180 नब्बे बना देते हो आप तो एवरेज फर्स्ट बैट का स्कोर है 173। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाइएस्ट है 238 रन 3 विकेट के नुकसान पे, कराची किंग्स का लोएस्ट है 113 पे ऑल आउट होगी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करो 150 से कम 12 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर 11 बार, 170 से 179 के बीच का स्कोर 14 बार, 190 से ऊपर स्कोर 17 बार बन चुका है गाइस। ठीक है तो ये तो थी पिच रिपोर्ट की, क्या होता है, क्या हाल है, क्या लिखा जोखा है। अब ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर डालते हैं। सबसे पहले अगर आप पेशावर गर्मी की प्लेइंग 11 पर डालो तो मोहम्मद आरिफ ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम के साथ सैम अय्यूब नंबर 3, की पावर पाडुआ नंबर 4, डॉमिन पावर नंबर 6, जेम्स नीशम नंबर 7, आबिराज नंबर 8, दर्शन चनाका नंबर 9, सुफियान मकरू नंबर 9, उस्मान कादी नंबर 10, अरशद इकबाल नंबर 11। ठीक है काफी अच्छी इनकी टीम है गाइस, बॉलिंग ऑप्शन भी हैं और मुजीबुर रहमान भी वापस आ रहे हैं, और दर्शन चनाका के आने के बाद और जो है बॉलिंग और बैटिंग दोनों स्ट्रांग हुई है। दर्शन चनाका सबको पता है कितने बेहतरीन प्लेयर है, काफी अच्छे प्लेयर है गाइस। और वही अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में डालू पॉल स्टार्लिंग ओपनिंग करेंगे हसन नवाज के साथ, पॉलिंग उमर नंबर 3, यासीन अहमद नासिर नंबर 4, आजम खान नंबर 5, शदाब खान नंबर 6, फहीम अशरफ नंबर 7, टॉम करन नंबर 8, अनवार अहमद नंबर 9, तो ये टीम भी काफी अच्छी है गाइस, इस टीम के पास भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं, रहमतुल्ला गुरबाज अवेलेबल होंगे, देखना ये होगा कि वो खिलाते हैं कि नहीं। ठीक है गाइस तो उनके पास भी बैटिंग अच्छी है, बैटिंग एबिलिटी अच्छी है, बड़े बड़े स्कोर भी चेज कर सकती है टीम, अगर चेजिंग पे आएगी तो खतरे की घंटी हो सकती है दूसरी टीमों के लिए। ठीक है गाइस तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ वो करना क्या है आपको, जो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी करा हुआ बड़ा, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है तो उसके अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ आपको। बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनकी वीडियो नहीं बना पाता, तो उनकी मैच पर आपको मेरे टेलीग्राम में मिलती है तो ज्वाइन हो जाएगा। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दिए जाते हैं गाइस, टॉस की बड़ी चली जाती है, पूरे दिन आपको कुछ ना कुछ दिया जाता है और हमारा आपको जो है प्रॉफिट कराने का हमारा पूरा एम रहता है। तो गाइस फटाफट चैनल में ज्वाइन हो जाए, बस एक बात ध्यान रखिएगा बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, सोशल के नाम पे बहुत से फेक चैनल बन गए, तो उन फेक चैनलों से बच कर रहना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, उसी में जो है ना उसके अलावा कहीं पर कोई लिंक टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस ये ध्यान रखिएगा, और टेलीग्राम में अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो हो जाना है बिना बिना ज्वाइन हुए, क्योंकि गाइस वीडियो में जो भी प्रेडिक्शन बताऊँ फाइनल प्रेडिक्शन चेंज होती है और आजकल चेंज करनी पड़ रही है गाइस। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने वीडियो में जीता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, फाइनल प्रेडिक्शन जो टेलीग्राम पे दी जाएगी वही उसी की वैल्यू होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वीडियो बहुत पहले डाली जाती है, फाइनल प्रेडिक्शन कुछ भी चेंज होगा तो लाइव में आके या टेलीग्राम में आपको आगे बताता हूँ मैं, इसीलिए वो चीज़ें करता हूँ। फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, इससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो गाइस बहुत से जैसे मैचेस हो रहे हैं और बैक टू बैक वीडियो चलती है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप नोटिफिकेशन नहीं ऑन करेंगे ऑल पे तो मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप मेरी वीडियो की अपडेट मिस कर देंगे। जैसे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे बोलते हैं कि आपने वीडियो नहीं डाली, जब मैं वीडियो रोज डालता हूँ तो अगर आप नोटिफिकेशन ही ऑन नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी गाइस। तो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और एक बात ध्यान रखिए गाइस पूरी वीडियो देखा करिए, स्किप मत करा करिए, जितने भी मिनट की वीडियो बने पूरी देखा करिए, इससे आप कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं स्किप करके सीधा मैच मिनट पर आ जाते हैं, तो गाइस सीधा मैच विनर पे आने का मतलब ये है कि आपने मैच विनर देख लिया तो आप उसके पैसे जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। आपको पूरी जानकारी देखनी पड़ेगी कि क्या मैंने क्यों बोला है कि ये टीम जीतेगी, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन भी तो चेंज होती है ना टेलीग्राम पे आफ्टर द टॉस, अगर होती होती है तो गाइस इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि इसमें आपको हेल्प मिले। ठीक है गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखा करें चैनल में और सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है तो ये तो चीज़ सब बात है, ये चीज़ फॉलो कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि दोनों टीमों के अनाउंसिस करके
सब कुछ करके मैं आपको बता दूं, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी गाइस पेशावर गर्मी। जी हाँ दोस्तों, पेशावर गर्मी ये मुकाबला जीतेगी। हालांकि फाइनल पड़ी शाम को टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको टॉस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो एंजॉय लाइफ।